एकदम 2015 में भी हम वहाँ महागठबंधन के खिलाफ लड़े थे और जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार को 2015 में जिस तरह हराया गया था, इस बार भी हमारे केदार गुप्ता जी वहाँ मनोज कुशवाहा जी को चुनाव हराने का काम करेंगे। अब स्वाभाविक है, वो बिहार में तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। मोकामा में आपने देखा कि मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास 1000 ही वोट है। तो ये पूरी स्वरूप उसी संरचना का है कि वो चाहते हैं कि जो लवकुश के वोट भी उनसे बाहर चले गए थे, अब कुशवाहा उम्मीदवार देख वो चाहते हैं कि हम अपने वोट को बचा सकें। देखिए, संघ के विचारधारा से हम जरूर सहयोगी होते हैं और संघ के जब भी कभी कोई मार्गदर्शन मिलते हैं उसमें कहीं इशू नहीं है, लेकिन जो बयान उनका आया है वो स्पष्ट झलकता है कि वो महागठबंधन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अरे पहले वो पहले जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत तो दिखाए, बाद में दूसरे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही, अभी गुजरात में क्यों नहीं लड़ने जा रहे, गुजरात में पता चल जाएगा, हिमाचल में पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है।